सोलन शहर में नगर निगम स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसको लेकर विशेष मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन शहर में अधिकतर हिस्सों में दोपहर 12 बजे तक खुले में गंदगी पड़ी रहती है, जिसे लेकर लोग भी परेशान हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्र जवाहर पार्क के नीचे, ठोडो ग्राउंड के समीप और मॉल रोड और चौक बाजार में दोपहर 12 बजे तक कूड़ा ना उठाने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में गंदगी पड़ी होने से कीटाणु पनप रहे हैं, जिस कारण लोगों को बीमारी का भी खतरा सता रहा है। ये हमारे लिए एक बिल्कुल प्रायोरिटी का एरिया है। 12 बजे की जो आपने बात की वो मैं फुली अग्री कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जैसे हमने 12 गाड़ियाँ एट प्रेजेंट लगाई हुई है कूड़े में, तो वो उनकी मूवमेंट जिस हिसाब से है और जिस हिसाब से घरों से, जहाँ पे गाड़ी की अप्रोचेबिलिटी नहीं है, घरों से कूड़ा इकट्ठा करके लाया जाता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा किया जाता है, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे 12 बजे तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, तो और उसमें यही समझ आ रहा है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम लेने पड़ेंगे कि हमें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ानी पड़े और अपना स्टाफ बढ़ाना पड़े, या फिर हम इसमें किसी और चीज़ें भी सोच सकते हैं। तो वो जब हमारा अगला हाउस भी होगा उस पर हम डिटेल में इस पर विचार करेंगे, और जैसा भी हमारा जनरल हाउस में इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि इस चीज़ पे क्या करना है। पर मीनवाइल इसको कैसे ठीक करना है, अपना जो एग्जिस्टिंग तंत्र है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी कैसे ठीक करनी है, उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो जल्दी आपको इसमें रिजल्ट नज़र आएंगे।